तो गाइस एक डॉस लग चुका है, ठीक है, पूरा ये फिटिंग विटिंग लगा ली अपन ने। अब इसकी आवाज सुन के देखते हैं भाई एक बारी पूरा। ओ भाई पापा आ गए। कैसा लग रहा है एक डॉस? तो भाई ये है अपना न्यू एग्जॉस्ट। भाई आपके भाई ने बोला था लेके आऊंगा तो आऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो भाई इस वाली वीडियो में हम लगाएंगे अपनी बाइक पे नया वाला एग्जॉस्ट, जैसे आपको पीछे बाइक दिख रही होगी। और इसका जो स्टिकर है वो मैंने हटा दिया क्योंकि हम इसके ऊपर एक्स-रे किट लगाने वाले हैं। ये चीज अपन बाद में दिखाएंगे, पहले इसका एग्जॉस्ट लगाने चलते हैं। और इसका जो पहले स्टॉक एग्जॉस्ट होगा उसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा एक बार बिना एग्जॉस्ट के चला के दिखाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर नया वाला एग्जॉस्ट दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको नया वाला एग्जॉस्ट दिखा दूं इसका। तो भाई ये है अपना न्यू एग्जॉस्ट। भाई आपके भाई ने बोला था लेके आऊंगा तो आऊंगा। तो ये एग्जॉस्ट हमने बाहर से मंगवाया भाई। और इसकी बेंड पाइप और इसके अंदर स्लिप ऑन जो साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, तो जल्दी से आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखो भाई नया एग्जॉस्ट अपना, ये देखो क्या लगेगा बाइक के ऊपर ये। तो भाई ये डुअल बैरल वाला एग्जॉस्ट है, ठीक है, तो बेस बहुत तगड़ा आने वाला है इससे। तो एक चीज ये बात हमेशा याद रखना कि जो सिंगल सिलेंडर वाली बाइक होती है ना उसमें ट्राई करो कि बेस वाला एग्जॉस्ट डालने का, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, कितना भी कोशिश कर लो इनलाइन फोर ज्यादा साउंड नहीं निकालेगा। बट हाँ एक चीज है, आपके भाई की टिप है कि जितना बेस प्रोड्यूस करना चाहते हो ना बेस उससे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे जो एग्जॉस्ट होते हैं ना भाई इससे बेस बड़ा अच्छा आता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जॉस्ट लगाते हैं अभी अपने बाइक में। और यहाँ पे आप एक्स-रे किट देख रहे होगे तो इसके अंदर अभी फिनिशिंग करानी है अपने को, ठीक है, तो इस पर पेंट होगा, पेंट के लिए मैं देख आऊंगा, फिर इसको लगाएंगे अपनी बाइक पे तो वो दिखाएंगे आपको बाद में। पहले इसको पेंट पे देंगे और अभी पहले एग्जॉस्ट लगवाने चलते हैं भाई। तो पहले इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट वाली आवाज सुनते हैं। सो गाइज ये थी इसके स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड। अब इसका ना जो स्टॉक वाला एग्जॉस्ट है वो हम निकाल देंगे, उसके बाद आपको ना विदाउट एग्जॉस्ट की इसकी साउंड सुनाऊंगा, ठीक है। आदिए अब मैकेनिक पे चल के इसका ना जो अपन ये स्टॉक एग्जॉस्ट है ये निकलवा के इसके अंदर जो अपना एक्रा का एग्जॉस्ट है वो लगवाएंगे। और जब इसका ये स्टॉक वाला एग्जॉस्ट निकल जाएगा उसके बाद इसका जो सिलेंडर रह जाता है बीच में ढोल की कहते हैं जिसको, उसकी खाली आवाज मैं आपको सुनूंगा कि उसके बिना ये कैसे साउंड करती है। घर के अलावा और कहीं से लाया नहीं। रुको एक सेकंड, पहले इसकी आवाज सुननी है। तो गाइस हमने इसका जो एग्जॉस्ट है वो निकाल दिया जैसा आपने देखा अभी, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, जो इसकी बीच वाली ढोलकी है ना उसकी आवाज सुनेंगे। खाली मैं आपको बताता हूँ आपके कौन से ढोलकी की बात कर बिना इसके। अरे कुछ भी करें बैक कैचअप नहीं आएगा ना। ज्यादा चलाने का नहीं, इंजन खराब होता है। तो भाई कैसी लगी आवाज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि एग्जॉस्ट लगो या यही रहने दो क्योंकि ये ज्यादा लाउड है। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ये लगाना ना मतलब एग्जॉस्ट के बिना बाइक चलाना ना बहुत रिस्क वाला काम हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर ना इंजन का बैक प्रेशर है ना बहुत कम हो जाता है। जिनको ब्रेक प्रेशर नहीं पता, मतलब एक प्रेशर होता है बाहर निकलने के लिए, जो गैसेस होती है ना एक प्रेशर से बाहर निकलती है, अगर हम उसके प्रेशर से छेड़छाड़ करते हैं ना भाई तो इंजन के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो आप है ना बिना एग्जॉस्ट की गाड़ी कभी मत चलाना चाहे कितनी भी अच्छी साउंड आ रही हो। तो अभी क्या करते हैं, जिसका लिंक पाइप है और अपना जो एक्रा का एग्जॉस्ट है वो इसके अंदर लगवाते हैं, उसके बाद उसकी आवाज मैं आपको सुनाता हूँ कैसी आ रही है। हर नाम की बोली आती है मुंह में, करते हैं पानी की तरह।
तो भाई ये वाला यहाँ से तो हमने टाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लगानी है एक बोल्ट, वो स्टॉक वाले लग जाएगा, फिर स्प्रिंग लगानी है। उसके बाद आवाज़ सुनाते हैं आपको, लुक चेक करो एक बार इसका। दो स्प्रिंग आती है एग्जॉस्ट के साथ, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि ये लिंक पाइप और स्लिप ऑन के बीच में लगेगी ताकि एयर लीक ना हो। मतलब मेरे पे एक ढीली वाली भी है, मेरे पे वो छोटी है, तो छोटी दे दो ना कि ये भाई। तो गाइस एक दोस्त लग चुका है, ठीक है, पूरा ये फिटिंग विटिंग लगा ली अपन ने। अब इसकी आवाज सुन के देखते हैं भाई एक बारी। बहुत स्टार्टअप है भाई, मैं भी पहली बारी सुन रहा हूँ। तो गाइज आवाज आपने सुन ली, अब है ना इसको मैं घर लेके जाऊंगा। इसके ऊपर एक स्टिकर है एकरा का, वो मेरे को लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ और बाइक के ऊपर बताता हूँ कैसी लग रही है। तो भाई ये वाला एग्जॉस्ट लगा दिया अपन ने, तो ओके पापा आ गए। कैसा लग रहा है एग्जॉस्ट? ये क्या लगा दिया? बढ़िया नहीं है? आवाज सुनो इसकी। कैसे है दादा आवाज? बुलेट थोड़ी है केटीएम है। तो गाइस देख सकते हो आप, मैंने इसके पास स्टिकर लगा दिया भाई एकरा का, और ये कार्बन टिपना भाई बहुत ही खतरनाक लग रही है। और आपने इससे पहले वाले शॉट में देखा होगा मैंने टायर अगर निकाल दिया था, बट मैंने इसको दोबारा लगा दिया क्योंकि बाइक ना भाई बहुत इनकम्प्लीट लग रही थी, इसके बिना छोटी छोटी सी लग रही थी। मेरे को थोड़ा बल्गी लुक ज्यादा पसंद है बाइक में। और भाई ये आपको बाइक ना और KTM Duke 390 से पीछे से थोड़ी ज्यादा चौड़ी लग रही होगी क्योंकि इसके अंदर ना मैंने सुपर बाइक वाला टायर बिठा रखा है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 190 सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 190 सेक्शन या 180 सेक्शन ना भाई सुपर बाइक के अंदर आता है। तो ये पर्सनली ना Z900 में टायर आता है, जैसे अपनी Z900 होगी, Hayabusa होगी, ठीक है। तो ये वाला टायर का साइज ना उन सब में आता है, तो इस वजह से ना ये बाइक थोड़ी ज्यादा चौड़ी लग रही है पीछे से। और ये वाला टायर मैं आपको सच बताऊं KTM में बिठाना ना भाई इतना आसान होता नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप है ना इतना बड़ा टायर अपनी बाइक में बिठाओ, क्योंकि ना भाई इसको लगाने के लिए ना भाई बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए होते हैं, और हर जगह है ना ऐसे बंदे मिलते नहीं। तो आपका रिम खराब हो सकता है क्योंकि KTM का जो रिम होता है ना वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है भाई, मतलब वो स्पीड के लिए तो सही होता है बट क्वालिटी उसकी थोड़ी वैसी वाली होती है। तो मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि भाई आप है ना 160 या 170 से ज्यादा ऊपर मत जाना, ठीक है। मैंने 190 लगा रखा है क्योंकि मुझे पता था कैसे लगवाना है, क्योंकि मेरे को बाइक वगैरह की नॉलेज है, आप ये सब काम मत करना। बाकी भाई थोड़ी सी आपको वहाँ पे एक्स्ट्री किट दिख रही होगी, मैंने लगा दी है इसके अंदर, क्योंकि जान तो आप लोग को वो भी देखना होगा, बट वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे क्योंकि भाई वो है ना सिर्फ लगाने लगाने का खेल नहीं है, उसके ऊपर पूरी फिनिशिंग लेनी पड़ती है। तो जो भी मेरा भाई लगाना चाहता है ना के लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे कैसे लगाने ताकि आपके लिए ईजी पड़े। एग्जॉस्ट की आवाज कैसी लगी आपको बिल्कुल मेरे को कमेंट से करके भाई जरूर बता देना। भाई आपके भाई की बहुत मेहनत लगी है भाई एग्जॉस्ट लाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था ये, ठीक है। और KTM का आपको पता ही है कि भाई सामान ना सस्ता आता नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इसकी आवाज कैसी लगी। और जो भाई मेरा एक्स्ट्री किट देखना चाहते हैं उसकी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, इसके शायद अगली हो, तो उसके लिए वेट करना। और बाकी इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना।